बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान नासर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग आर्ट। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फालसे के प्लांट के मतलब है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे फालसे का एक पौधा लगा हुआ है मेरे गार्डन में, तो मैं आज आपको इसकी थोड़ी सी अपडेट देता हूँ कि ये मैंने कैसे लगाया था, कब लगाया था और अभी क्या इसकी सिचुएशन है। ये देखें, माशाल्लाह से ये मैंने लगाया था कोई तकरीबन एक साल पहले, डेढ़ साल पहले लगाया था मार्केट से ला के। तकरीबन 50-60 रुपए का एक पौधा था, छोटा सा। तो उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा जो था ना ऊपर टाल चला गया था। ये जिस तरह आप रस्सी देख सकते हैं, ये मैंने रस्सी बांधी थी, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। फिर मुझे किसी ने, नर्सरी वाले भाई ने बोला कि ये जो प्लांट है फालसे का, ये बेसिकली बुशी टाइप होता है, ये दरख्त नहीं होता। तो इसको आपने जो है ना, जब ये फल पे आए तो उसके बाद फल खा के, तो आपने इसको उसकी ट्रिमिंग कर देनी है, नीचे 3-4 फुट छोड़ के बाकी सारा काट देना है। तो फिर जो नई शाखें निकलेंगी उस पे, हर शाख पे 150 रुपये फल लगेगा। और वैसा ही कुछ हुआ। ये देखें माशाल्लाह से मैंने इस साल जो है ना, लास्ट ईयर, ये मैंने थोड़ा सा, ये नज़र आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा छोटा सा मैंने सिर्फ ये छोड़ दिया था 3-1 फुट के करीब ना, बाकी मैंने सारा काट दिया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक चला गया हुआ था, ये ग्रिल तक, तो फल भी बहुत कम लग रहा था। तो अभी फिर जब मैंने इसको काटा तो उसके बाद अभी जैसे बहार आई है इस साल, तो ये देखें माशाल्लाह, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि इस पर कितने ज़्यादा जो है ना बूर वगैरह जो है बनना शुरू हो गए। बेसिकली अब ये जितना भी ये बूर है, जितना भी ये इसके ये कलियाँ हैं, ये सारी जो है फूल बनेंगी। फिर उसके बाद जब ये फूल बन के जब इसमें से दाना निकलेगा तो वो फालसा बनेगा। तो ये इसमें इस वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा जो है ना बूर और कलियाँ जो हैं खिली हुई हैं, और ये इतना ही रहेगा, थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा लेकिन ऐसे झाड़ी नमा होगा, क्योंकि जो इसकी जो टानियाँ होती हैं ना वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, ये ऊपर ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती, इसलिए ये झुक जाती हैं। तो फल भी लगना होता है, तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि फालसे को जितना ज़्यादा आप ट्रिम करेंगे उतना ज़्यादा ही फल देता है, और ज़्यादातर इसको धूप में लगाना चाहिए। जिस तरह अभी देखें इधर धूप आ रही है और ज़्यादातर इधर 8 घंटे तक धूप रहती है मैक्सिमम गर्मियों में। तो ये भी होपफुली जो है ना मई तक इंशाल्लाह, क्योंकि अभी ये अप्रैल का शुरू होने वाला है, मार्च का एंड है, तो मई तक ये जो है फल बन जाएगा, एक महीने तक ये फल तैयार हो जाएगा। और ये गर्मियों की बहुत ही अच्छी सौगात है फालसा, इसका जूस बनाते हैं और इसकी वफादियत बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है कि नेट पे यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं इसके जितने फ़ायदे हैं, और बहुत ही ठंडा होता है ये तासीर, तो इसका जूस बहुत मज़े का बनता है और वैसे भी आप खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये थी मेरी अपडेट थोड़ी आज की गार्डन के मतलब के फालसे के जो मैंने गार्डन लगाया। तो इंशाल्लाह जैसे ही इसको मज़ीद फल वगैरह लगेगा, फूल निकलेंगे, उसकी अपडेट मैं आपको दूँगा।